वर्ल्ड जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की प्रथम महिला एथलीट एवं एशियन गेम में 400 में रजत पदक और 4x400 टीम इवेंट में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाली एथलीट हिमा दास धर्मशाला के सिंथेटिक ट्रैक में दौड़ेंगी। हिमा दास ने जुलाई माह में फिनलैंड में आयोजित IAAF विश्व अंडर 20 एथलेटिक प्रतियोगिता के ट्रैक एवं फील्ड के 400 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। इसके साथ ही हाल ही में आयोजित एशियन गेम में भी शानदार प्रदर्शन के बलबूते स्वर्ण और रजत पदक भारत की झोली में डाला था। खेल नगरी धर्मशाला के सिंथेटिक ट्रैक में पहली राष्ट्रीय 400 मीटर एथलेटिक स्पर्धा का आयोजन 9 सितंबर को किया जाएगा। राष्ट्रीय स्पर्धा में पूरे भारत से 400 मीटर दौड़ में लगभग 150 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता में हिमा दास के अलावा 400 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक व एशिया चैंपियन केरल से मोहम्मद अंस के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भाग लेंगे। 400 मीटर दौड़ को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, जिसमें अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18 और अंडर 20 व सीनियर पुरुष और महिला वर्ग में प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए जिला कांगड़ा एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष विक्रम चौधरी ने बताया कि इस राष्ट्रीय एथलेटिक मीट को लेकर सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और इस राष्ट्रीय स्तर की पहली बार होने वाली एथलेटिक प्रतियोगिता में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी अपना अपना जोहर दिखाएंगे। ये फर्स्ट टाइम है कि 400 मीटर नेशनल्स, ये 400 मीटर नेशनल इसलिए लिया गया क्योंकि हमारा जो एथलेटिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये समझता है कि 400 मीटर ही एक ऐसा प्रोबेबल है जहां पे इंडिया ओलंपिक्स में मेडल ला सकता है। तो अभी आपने देखा होगा कि जैसे यूथ वर्ल्ड कप में फर्स्ट टाइम हुआ कि हमारी लड़की हिमा दास जो है वो गोल्ड मेडल लाई है, उसी के साथ एशियन गेम्स में उसका सिल्वर रहा है और 4x400 में वो रिले में वो गोल्ड लाए हैं। तो उसी को प्रमोट करने में ये पहली बार हो रहा है कि फर्स्ट 400 मीटर जो नेशनल्स है वो धर्मशाला में इसका आयोजन हो रहा है। पहले आयोजन इसका 8 और 9 तारीख को होना था, लेकिन किसी कारणवश अब ये सिर्फ 9 तारीख को जो है उसका आयोजन होगा और इसमें अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18, अंडर 20 महिला और पुरुष वर्ग के जो है प्रतिभागी जो है इसमें भाग ले रहे हैं। और ये महत्वपूर्ण मीट भी है क्योंकि आगे जो ओलंपिक्स की तैयारी है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यहीं से शॉर्टलिस्ट होंगे जो एथलीट जो आगे विनर होंगे, उन जिनमें पोटेंशियल है यहीं से शॉर्टलिस्ट होंगे। और जैसे हमें सूचना मिली थी कि जैसे हिमा दास है वो भी आ रही हैं और हमारे जो पुरुष वर्ग में मोहम्मद अनस है केरला के और वो एशियन चैंपियन है वो भी आ रहे हैं। अभी तक तो है कि आ रहे हैं लेकिन अभी वो एशियन गेम्स से आए हैं, लास्ट मोमेंट चेंजेस अगर हो सकते तो उसमें मैं कह नहीं सकता, लेकिन अभी तक तो कंफर्मेशन है। और धर्मशाला के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि धर्मशाला का जो सिंथेटिक ट्रैक है इससे एक एथलेटिक्स को बूस्ट मिलेगा। अब जैसे नेचुरली एक इंटरनेशनल खिलाड़ी आ रहे हैं तो जब यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे तो जैसे जो यंग लोग हैं जो एथलेटिक्स में यहाँ खेलते हैं उनको देखेंगे तो उनसे क्या है कि उनको मोटिवेशन मिलेगा। और हम यही आशा करते हैं कि कल को कोई अगर पदक लाता है इस इवेंट में तो हिमाचल का भी कोई होना चाहिए। इसी उद्देश्य से हमने जो है वो धर्मशाला में जो है हमारे को ये एथलेटिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने, हिमाचल प्रदेश एथलेटिक एसोसिएशन और हम, मैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, तो हमें ये सौभाग्य मिला है कि मीट करवाने का।